अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू के जो सीरीज़ का मैंने जिक्र किया, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी है, ठीक है, नर्व एंड मसल, ठीक है। इसमें पहला एमसीक्यू करते हैं। तो बात हो रही है द सपोर्टिंग सेल्स दैट फॉर्म माइलिन, तो माइलिन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। तो ये तीन कीवर्ड्स हैं और ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं और अपना पहले इंप्रेशन दे के फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पॉज करूँगा सही आंसर से पहले ताकि आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। पॉज हो गया, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ओके, तो सेकेंड एमसीक्यू है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, ठीक है, आउटसाइड ऑफ सीएनएस। अभी सारे कीवर्ड्स हैं, सेल बॉडीज का जिक्र हो रहा है, आउटसाइड का जिक्र हो रहा है और सीएनएस का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं फिर पॉज लूँगा, ठीक है। आप पॉज करके इस पर अपना जवाब आप पहले से देखें और फिर आप जवाब दें, ठीक है। मैं पॉज अब लफ्ज़ सिर्फ पॉज कहा करूँगा, उसको आप पॉज कर लिया करें, अंदाजे लगाया करें अपने, और फिर आप उसको देखा करें, ठीक है। तो बेटे ये इसका जवाब है गैंगलियन, ठीक है। ये याद रखें कि अगर ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज सीएनएस के अंदर होता तो फिर इसका जवाब न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियाई होता, ये न्यूक्लियस होता, लेकिन जब ये सीएनएस के बाहर लाया करता है तो ये गैंगलियन हो जाता, ठीक है। ओके, फिर हम आते हैं इस पे एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ पहले से कि ये इसका क्या मामला है। तो बेटा जी ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का जिक्र हो रहा है, सूडो यूनिपोलर को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ऊटपटांग सा बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सेल बॉडी एक होती है और उसमें से एक ही प्रोसेस निकल रहा होता है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, और उसका एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है। तो एक प्रोसेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को चला जाता है और एक यानी नर्व्स की तरफ चला जाता है, और दूसरा प्रोसेस उसका सी एन एस की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर, अब ये सारे न्यूरॉन्स की टाइप दी हुई है, इसमें सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कौन सा है, ठीक है। पॉज, अच्छा, तो इसका जवाब है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4 और 5 जो हैं वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से के मुतालिक हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, ये अगर आ जाएँ तो आप समझें कि आपको फ्री मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटे क्वेश्चन है डीपोलराइजेशन, एग्जॉन की बात हो रही है, डीपोलराइजेशन हर जगह इस तरह ही होती है, ठीक है। तो इसका ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पॉज, इसका करेक्ट आंसर ए है। आपको पता है कि इनवर्ड डिफ्यूजन, ये बात इनवर्ड हो रही है, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस, इससे डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम रीपोलराइजेशन देख लेते हैं। आपको पता है कि रीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल के दौरान प्रोड्यूस होती है, तो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है। पॉज, तो रीपोलराइजेशन जो होती है वो ऑप्शन सी है। हम जानते हैं कि ये आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम की वजह से होती है, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ डीपोलराइजिंग स्टिमुलस। पहले पढ़ देता हूँ, as the strength of depolarizing stimulus to an axon is increased. अब यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें देखनी है, बात वो कर रहा है, ये अच्छा MCQ है by the way, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, depolarizing stimulus की बात हो रही है, ठीक है, और बात हो रही है कि उसको जैसे जैसे हम इंक्रीज करें, तो पहले हमने इतना किया, फिर हमने इतना किया, फिर हमने इतना किया, फिर हमने इतना किया, ठीक है, ये हो रही है बात कि स्ट्रेंथ आप बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, अब इसमें एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, ड्यूरेशन भी, यानी वो पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है एक्शन पोटेंशियल का, क्या ड्यूरेशन बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, ये इसमें जवाब देना। पॉज, इसका आंसर बेटा जी डी है। याद रखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ ये अपना स्टिमुलस जैसे बढ़ता है तो मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल यानी वो ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं नर्व फाइबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आगे चलते हैं। अब बात वो कर रहा है कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स की, ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स की माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। तो वो ये कह रहा है द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज ए साल्टेटरी
बी विदाउट डिक्रीमेंट, यानी इसमें कोई लॉस नहीं होता, सिग्नल लॉस नहीं होता, ये कमज़ोर नहीं पड़ता, ये यानी पूरी लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर पे एक ही स्ट्रेंथ के साथ जाता है, इसका मतलब है डिक्रीमेंट, विदाउट डिक्रीमेंट, और फास्टर देन इन एन अनमायलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, पॉज। इसका जवाब है डी। अब ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है बेटे, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो यूएचएस में आपको आएंगे, यूनिवर्सिटी में जो आपको आएंगे, वो स्टैंडर्ड एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, यानी आप ये देखें कि आपको ये पहले मुझे बताना चाहिए था, हर एमसीक्यू जो है वो 5 स्टेमर आएगा, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, और दूसरा ये कि वो ये ऑल ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द दीज और इस तरह के नहीं आएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट वाले भी नहीं आएंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये वाले इस तरह की लैंग्वेज नहीं आएगी एमसीक्यूज में, ठीक है। मुझे जो भी एमसीक्यूज मिले जो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने वो सेलेक्ट कर लिए, मैंने ये नहीं देखा उनको फॉर्मेट क्या है, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मेट आपको मैं बताता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा गाहे बगाहे, ताकि आपको याद रहे, ताकि आप परेशान ना हो जाए अचानक कि जी इधर तो देखें, जैसे 6 क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए टू डी है, 7 का भी ए टू डी है, कुछ इसमें होंगे वो ए टू ई होंगे, सो ये मैंने मिक्स किए हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से करके इसको अडेप्ट किया है, तो इस पे ना जाइएगा, ए टू ई ही है और चूज द बेस्ट आंसर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मजा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन जो की वर्ड है वो ये नॉट है, ठीक है, ये बेटा जी आपने अच्छी तरह क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, तो ये फिर आप ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है विच ऑफ दीज, यानी इन पांचों में से विच ऑफ दीज इज नॉट एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी, एक ही बात है, ऑफ सिनेप्टिक पोटेंशियल्स, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, नर्व पोटेंशियल में और सिनेप्टिक जो साइनेप्सिस पे पोटेंशियल्स हो रहे हैं उनमें कुछ फर्क होते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ ये ए टू ई क्या है, दे आर ऑल और नन इन एम्पलीट्यूड, ऑल और नन लॉ आपको पता होना चाहिए, दे डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस के साथ इनका एम्पलीट्यूड कम होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज, दे आर ग्रेडेड इन एम्पलीट्यूड, यानी ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकली रेगुलेटेड गेट्स, ठीक है। अभी बात याद रखिए कि लव्स नॉट लगा हुआ है, आपने इसमें से वो वाली प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो सिनेप्टिक पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इनमें से एक होगा, पॉज, तो करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, करेक्ट आंसर ए है, ए क्या आंसर है, ऑल और नन, मैंने आपसे बात की थी कि ऑल और नन लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये बात याद रखिए बेटा जी कि सिनेप्टिक पोटेंशियल्स ऑल और नन लॉ फॉलो नहीं करते, नर्व एक्शन पोटेंशियल करता है, साइनेप्सिस पे जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ग्रेडेड होती है, ऑल और नन नहीं होती। अच्छा, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है नर्व एक्शन पोटेंशियल, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, मैंने दिखा भी इसलिए रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन 8 और 9 का डिफरेंस पता लगे। अब यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, फिर वही बात कैरेक्टरिस्टिक की हो रही है और इस दफा बात हो रही है एक्शन पोटेंशियल की। अब आपने ये देखना है कि इनमें से गलत कौन सी चॉइस है, ये ए टू डी है, क्या ये है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स, या दे आर कंडक्टेड विदाउट डिक्रीमेंट, या सोडियम और पोटेशियम गेट्स ओपन एट द सेम टाइम, या द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजर्व्स पोलैरिटी रिवर्सेस पोलैरिटी ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पॉज, इसका आंसर है आंसर सी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल्स के दौरान सोडियम और पोटेशियम गेट्स एक साथ नहीं खुलते, ऑब्वियसली सोडियम गेट खुलता है, कब खुलता है सोडियम गेट, डीपोलराइजेशन के दौरान डी ई, और पोटेशियम गेट्स खुलते हैं रीपोलराइजेशन के दौरान आर ई, रीपोलराइजेशन के दौरान, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ड्रग दैट इनएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज,
बात ड्रग की हो रही है, इनएक्टिवेट यानी इनहिबिशन की हो रही है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज यानी वो एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है या तोड़ता है। बात कर रहा है कि ड्रग जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज यानी वो एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है उसको एक ड्रग इनएक्टिवेट कर देती है, तो वो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ठीक है, क्या नतीजा ये निकलेगा कि इनहिबिट हो जाएगा रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक एंडिंग्स और इनहिबिशन इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन टू इट्स रिसेप्टर और इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन टू स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन या डज ऑल ऑफ दिस पॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है जैसे आप जानते हैं कि सी। तो अगर आप एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देंगे इसका मतलब है कि वो एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा है वो अब इनहिबिट हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन अब ज्यादा मिकदार में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाई जाएगी। ये बात हो रही है नर्व मसल का जो जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहां की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली वहां पे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पड़ा हुआ होता है ताकि एसिटाइल कोलिन ज्यादा ओवर ना हो जाए, तो उसको वो साथ साथ तोड़ता रहता है। लेकिन अगर आपने किसी भी कंडीशन की वजह से आपने ड्रग दी जो उसको इनहिबिट करेगी तो वो एसिटाइल कोलिन का वहां पे अमाउंट को बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी और एबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन टू स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गई बात। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 11, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। ये कॉन्सेप्ट है सेंसरी फिजियोलॉजी का। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन यानी पोस्ट सिनेप्टिक से मुराद ये है कि जब साइनेप्स होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये अगर नर्व है, ठीक है, ये मसल है, ड्रॉइंग के नंबर ना नहीं मिलते मुझे हैं, तो ये जनाब वो है साइनेप्स है, ये नर्व है, इसको नर्व कह देते हैं। ठीक है, ये नर्व है और ये मसल है। ठीक है, ये नर्व और नर्व भी हो सकती है, नर्व मसल भी हो सकता है, बहरहाल तो साइनेप्स बना हुआ है, ये साइनेप्स है। ठीक है, वो ये बात कर रहा है पोस्ट साइनेप्स यानी इस साइनेप्स के बाद वाला जो है, यानी ये नंबर वन ये पोस्ट है, ये प्री है, प्री सिनेप्टिक, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है। ठीक है, तो ये वो न्यूरॉन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात हो रही है कि जनाब ये जो है ना ये इनहिबिट हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन किस से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किस चीज से प्रोड्यूस, आप क्या करें पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल को कि वो इनहिबिट हो जाए। ठीक है, पॉज। तो इसका बेटा जी आंसर है बी, हाइपर पोलराइजेशन। आप जानते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन होती है कि जब हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, इस जब हम एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, एक्शन पोटेंशियल अब ड्रॉ करते हैं तो डीपोलराइजेशन होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है, और अगर रीपोलराइजेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चली जाए अगर, ठीक है, अगर नीचे चली जाए और यहां बैठ जाए जाके, तो इस चीज को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यानी अब इस जगह को या इस नर्व को या इस हिस्से को दोबारा डीपोलराइज करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए, ज्यादा इसको एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये वाला एरिया है, ये उससे भी नीचे चला गया, तो इसको पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। ठीक है, फिर कहीं जाके ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हिट करेगा, फिर ये डीपोलराइज करेगा। ठीक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से मुमकिन है। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, इससे बात हो रही है कि हाइपर पोलराइजेशन, अगेन हम हाइपर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू, अब एक दो नई चीजें आई हैं आपके सामने, ग्लाइसिन या गैबा, तो ये अब सब याद रखने वाली चीजें हैं। हाइपर पोलराइजेशन, अब वो खुद इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हाइपर पोलराइजेशन कराने का तरीका है कि ग्लाइसिन या गैबा रिलीज करे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, कोई भी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करे, तो इससे होगा क्या, और हाइपर पोलराइजेशन इनके रिलीज होने के नतीजे में कौन से चैनल के ओपनिंग की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाए। ठीक है, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के या क्लोराइड के, पॉज।
तो उसका बेटा जी आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिए क्लोराइड चैनल जब ओपन होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज जो यानी नेगेटिवली चार्ज आयन जो क्लोराइड है वो अंदर चला जाता है। और आप जानते हैं कि जब डीपोलराइजेशन हमें चाहिए होती है तो हम पॉजिटिव चार्ज अंदर डालते हैं, और जब हमें रीपोलराइजेशन चाहिए होती है तो हम पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, यानी हम अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं अगर हमें रीपोलराइजेशन चाहिए, आर वाली रीपोलराइजेशन। तो दरअसल हाइपर पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की एग्जैजुरेशन है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि ये रेसिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है और ये हाइपर पोलराइजेशन है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तो बात यही हो रही है कि जो रीपोलराइजेशन है उसकी एग्जैजुरेशन ही हाइपर पोलराइजेशन है ना। तो चाहे आप पॉजिटिव आयन को आप बाहर निकाल दें, ये पॉजिटिव तो नहीं, ये कुछ और ही बन गया, ये पॉजिटिव बना दें इसको ए एस, या बाहर निकालें या आप नेगेटिव आयन्स को अंदर लें, बात एक ही है, आप सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका नाम है हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। ठीक है, ये एक अच्छा मशहूर एमसीक्यू है, ठीक है। इसका जो ताल्लुक है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड से है। आपको पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक वो एब्सोल्यूट होता है, दूसरा रिलेटिव होता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आ जाता होता है। तो अब इन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इज ड्यू टू हाई नेगेटिव पोलैरिटी इनसाइड द न्यूरॉन, अकर्स ओनली ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन फेज, ओनली ड्यूरिंग ओनली डीपोलराइजेशन फेज, या अकर्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीपोलराइजेशन फेज, ठीक है। तो पॉज, इसका आंसर बेटे है डी। ये बात याद रखिए कि ये जो एक्शन पोटेंशियल दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बना लेते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल है डी तो डीप, ये रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और पहला वन थर्ड ऑफ रीपोलराइजेशन, ठीक है, तकरीबन अंदाजे से बनाया मैंने, इसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है कि इस सारे एरिया को, ठीक है ना, ए सारे एरिया को, ये प्रिसाइज तकरीबन ये, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इसलिए कहते हैं कि इस दौरान आप जो चाहे कर लें, आप जितना चाहे एक सेकंड स्टिमुलस और दे दें, ये नर्व दोबारा डीपोलराइज नहीं होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का मामला ये होता है, ये कि इसमें जनाबे अली आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दें तो एक्शन पोटेंशियल नया इस दौरान जनरेट हो सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में याद रखें, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसमें आप जो चाहे कर लें, उसमें दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। फिर ये एमसीक्यू देख लें, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्ली आपके लिए नहीं होगा, अगेन ये मेरा अंदाज़ा है, ये गलत हो सकता है। तो ये एमसीक्यू जिस तरह से है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट कैटेकोलोमीन्स, कैटेकोलोमीन्स होती हैं ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इज फॉल्स, इसमें कौन सा फॉल्स है। तो ये ज़रा थोड़ा सा टफ एमसीक्यू है, इस लिहाज से कि ये प्रॉब्ली आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका खैर मैं स्ट्रेट अवे आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है बी, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो करेक्ट हैं, और ये वाला जो है ये गलत है। द इफेक्ट्स इंक्रीज बाय द एक्शन ऑफ कैटेकोलोमीन्स, ये कैटेकाइल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, बहरहाल इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन याद करें कि कैटेकोलोमीन्स यानी नॉन एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और डोपामीन जो हैं वो कैटेकोलोमीन्स कहलाते हैं, और ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से इनकी, और दे आर इनएक्टिवेटेड बाय रीअपटेक इनटू द प्रीसिनेप्टिक एक्सॉन, और ये साइक्लिक एएमपी इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू को आप एक नॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है समेशन से मुतल्लिक है। समेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंसरी फिजियोलॉजी का। तो समेशन ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स EPSPs, समेशन हो रही है जनाब EPSPs की फ्रॉम न्यूमरस यानी एक से ज़्यादा प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहे हैं वो, इकट्ठे हो रहे हैं ऑन वन पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, ये शायद बहुत ज़्यादा इंग्लिश है इसमें, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो हम बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, ये है जनाब अली आपका पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल या न्यूरॉन, और उस पर जो प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स हैं वो बतेरे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, मोर देन वन है। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल ये एक पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हैं ये एक्साइटेटरी हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, ये सारे एक्साइट, ये मैं प्लस साइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, इसको वो काटाना समझ लेना सारे प्लस साइन। ओके, तो ये सारे जब अपना फायर करेंगे स्टिमुलेट होंगे तो ये एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज करेंगे और वो सारे के सारे इस पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो पूछ ही रहा है कि इस टाइप ऑफ समेशन को क्या कहते हैं, क्या इसको स्पेशल समेशन कहते हैं या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, क्या इसको टेम्पोरल समेशन कहते हैं या इसको सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, पॉज। तो इसका बेटे जवाब है ए, इसको स्पेशल समेशन कहते हैं। याद रखें जब ये सिचुएशन होती है कि टर्मिनल पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल एक होता है और उसके ऊपर ढेर सारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स आ जाते हैं और वो एक साथ डिस्चार्ज करते हैं ताकि पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल स्टिमुलेट हो जाए, इस चीज़ को स्पेशल समेशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, सेकेंड टाइप ऑफ समेशन टेम्पोरल समेशन कहलाती है। टेम्पोरल समेशन में फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि एक पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल होता है और से एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, या अगर ढेर सारे भी हों तो जो एक्टिवेट हो रहा होता है वो एक हो रहा होता है, मैंने इसलिए एक ही बनाया है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक्टिवेट बार बार होता है, यानी बार 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 उसको स्टिमुलेट करता है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल को। तो एक के बार बार स्टिमुलेट होके पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल को स्टिमुलेट करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं टेम्पोरल समेशन। ठीक है, ये इस एमसीक्यू में नहीं पूछा गया, इसमें आपसे वो समेशन पूछी गई जो जियोग्राफियाई है, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल है। ठीक है, यानी मल्टीपल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। ऑलराइट, ओके ओके, अगेन ये थोड़ा सा हार्ड एमसीक्यू है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की बात हो रही है, इज फॉल्स। ठीक है, अगेन फॉल्स से मुराद ये है कि इस इन पूरे इन चारों में एक चीज़ फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। और क्योंकि ये एक ज़रा मुश्किल एमसीक्यू है तो इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो आपने याद कर लेनी है। ठीक है, फिलहाल चलें लेट्स ट्राई कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है इसमें। पॉज। तो 16 का बेटे जो सही की है, जो आंसर है वो ये है, ये जो स्टेटमेंट है ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के लिए फिट नहीं होती, ये फॉल्स है। ठीक है, और बाकी सारी इसकी ट्रू है। तो बाकी सारी पे आप ज़रा और कर लें और वो ट्रू है, उसको याद कर लें। चलें जी, ये अब एक और हाइपर पोलराइजेशन का सवाल आ गया। ठीक है, कि हाइपर पोलराइजेशन जो है वो कॉज होती है सब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नीचे दिए गए हैं, एक्सेप्ट, अगेन इट्स अनलाइकली कि आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में एक्सेप्ट वाले सवाल आए, लेकिन बहरहाल तो इन सारों में से एक कोई है जो हाइपर पोलराइज नहीं करता। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पॉज। 17 का बेटे आंसर ये, ग्लूटामिक एसिड इन CNS, ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर हाइपर पोलराइजेशन नहीं करता, इसके अलावा एसिटाइलकोलीन करती है, ग्लाइसिन करता है और GABA करता है। बिल्कुल इसी तरह से एक रिकॉल बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आपको मालूम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है जब ग्रेडियंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केमिकल, अपना आई बेग योर पार्डन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर आ जाए। ठीक है, तो एक तरफ ग्रेडियंट प्रेशर लगा रहा है और दूसरी तरफ
जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो प्रेशर लगा रहा है। जब ये दोनों प्रेशर्स बैलेंस हो जाते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हर आयन का होता है, सोडियम का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है और क्लोराइड का भी होता है। तो आपको क्लोराइड का पूछ रहा है, ठीक है। ये रिकॉल बेस है, यानी ये आपको याद होना चाहिए ये क्या है। तो ये आप देखें पॉज। तो बेटा ये है ई -61 मिलीवोल्ट्स क्लोराइड का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ओके, क्वेश्चन 19 में एक इशू था, मैंने वो स्किप कर दिया है। तो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है किसकी? बात हो रही है सिंपल डिफ्यूजन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन का सवाल है ये, और पूछा गया है शेयर, ठीक है। तो दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन दोनों, ये दोनों प्रोसेसेस हैं, इन इनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इन पांचों में जो मुश्तरक है, ठीक है। पॉज। इसका करेक्ट आंसर है कि ये सारे एक्टिव प्रोसेसेस नहीं हैं, इनको एटीपी नहीं चाहिए होता, बाकी सारी चीजें जो हैं वो इनमें मुश्तरक हो सकती है, ठीक है। ओके, ये मजेदार सवाल है। ये आप देखें, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की बात हो रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी जो कवरेज है कॉन्सेप्ट्स की वो अच्छी है। इसमें नर्व एंड मसल वगैरह कुछ ट्रांसपोर्ट के हैं, कुछ नर्व के हैं, कुछ मसल्स के हैं, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है, ठीक है। ये वो सरहद है जहाँ पे नर्व मसल के साथ जुड़ती है, और जो एक्शन पोटेंशियल नर्व में आ रहा होता है वो फिर मसल में ट्रांसफर होता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये है जनाब एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, और यहाँ बात हो रही है स्केलेटल मसल की, और कह रहा है कि इस प्रोसेस में स्केलेटल मसल में ये पांचों में से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होती, बाकी चार चीजें होती हैं, एक एक चीज है इनमें, एक इवेंट है जो नहीं होता, वो कौन सा? पॉज। तो बेटा जी इसका जवाब है बी, कैल्शियम, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू कैलमोड्यूलिन। आप जानते हैं कि कैलमोड्यूलिन तो स्केलेटल मसल में होता ही नहीं है, ये तो स्मूथ मसल में होता है, तो ये यहाँ से पकड़ा जाता है। बाकी सारे आपने अच्छी तरह ये करने हैं, ये सारे होते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है रिवाइज करने का कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में इवेंट्स होते कौन कौन से, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए डाई हाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर क्या होता है, ट्रांसफर टिब्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है, और ऑफ कोर्स सोडियम कंडक्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, इन द सेंस कि ये आपको पढ़ाते बहुत हैं, ठीक है। बात हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की स्केलेटल मसल में, ठीक है। इट इज मोस्ट लाइकली टर्मिनेटेड, यानी खत्म होती है कौन से फॉलोइंग एक्शन से? हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की, पूछा जा रहा है कि वो इन पांचों में से कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो पॉज। तो इसका जवाब है डी, रिमूवल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम। सो आप जानते हैं कि सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम बाहर रिलीज होता है स्पार्क्स की सूरत में, धड़ाधड़ रिलीज होता है, और वो जाके फिर एक्टिन के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है, और वो ट्रिगर करता है एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, फिर वो मायोसिन से अटैच कराता है एक्टिन को, और फिर वो स्लाइडिंग, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसके मुताबिक ये दोनों फिलामेंट्स आपस में क्रॉस क्रॉस करते हैं, क्रॉस ब्रिज करते हैं और स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है स्केलेटल मसल की, ये टर्मिनेट हो जाती है जब आप वो जो कलीदी चीज है कैल्शियम, उसको आप रिमूव करके दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डाल देते हैं। अब कैल्शियम हो गया गायब, तो है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा है, ये बाकी भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं, ठीक है ना, वो सारे स्टॉप नहीं करते, लेकिन बहरहाल दे आर रेलिवेंट। ओके, बिल्कुल इसी तरह ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है पढ़ने के लिहाज से, नॉलेज गेन करने के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पे उसने बात स्मूथ मसल की कर ली, ठीक है। ये बेटा पावर होती है एमसीक्यू की। अब ये देखो, आप स्केलेटल मसल की अच्छी खासी चीज आपने इधर रिवाइज कर ली, अगर आप उसको प्रॉपरली सारे को पढ़ें। मैं इसलिए नहीं सारे एक एक करके पढ़ रहा कि उससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं सिर्फ आपको की एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपने बाकी सारे खुद पढ़ने हैं, ये अब स्मूथ मसल पे आ गया, तो इस एक छोटे से सफ़े पे आप कितनी चीज़ें रिवाइज कर लेते हो। ये है अच्छे एमसीक्यूज, अगर कर ले बंदा तो उसमें नॉलेज अच्छी खासी गेन हो जाती है। अब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, बात कर रहा है कि सबसे एक्यूरेट चीज़ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन
से रिलेटेड कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ठीक है, पॉज। तो ये है जनाब के डज नॉट रिक्वायर एन एक्शन पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मेड मोर एक्यूरेट, इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्शन पोटेंशियल। ये स्पॉन्टेनियसली भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाती है लोकल पोटेंशियल के जरिए। ओके, describes again, you choose the best hai jo usually hota hai, choose the best ke ye attribute yani again property ya characteristic attribute ye sare bete ek hi word hai, theek hai। ab smooth muscle visceral smooth muscle ki baat ho rahi hai aur aage kya baat ho rahi hai, aage baat ye ho rahi hai ke isko main red se kar deta hu, not shared by aapka skeletal muscle। तो वो कौन सी नीचे एट्रीब्यूट इन सारों में दी हुई है जो विसरल और स्मूथ स्केलेटल मसल के दरमियान कॉमन नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन इसमें आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी कि बाकी चार जो हैं वो कॉमन है, ठीक है ना। ये वाले एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। पॉज जनाब, इसका आंसर जो है वो ये है कि जब आप स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्ट्रेच वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी सारे फिर याद से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो आरएमपी की बात हो रही है, रेस्टिंग पोटेंशियल माइलिनेटेड नर्व फाइबर में प्राइमरीली मेन डिपेंड तो बहुत चीज़ों पे करता है, प्राइमरीली का मतलब है सबसे ज़्यादा किस पे करता है, कौन से वाले आइन पे करता है, ठीक है। ये सवाल बड़ा कॉमन है, आना चाहिए, बेसिक सवाल है और इसकी पीछे एक वजह भी है, ठीक है। पॉज, इसका जनाब अली जवाब है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो नर्व मेम्ब्रेन होती है पोटेशियम नेचुरली सबसे ज़्यादा परमिएबल होता है उसके अक्रॉस, सोडियम से ज़्यादा, कैल्शियम से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ढेर सारे पोटेशियम लीकी चैनल्स मौजूद होते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, अल्लाह करे ये आ जाए आपके इम्तहान में। ये तो बड़ा जैसे कहते हैं हलवा सवाल है। कैलमोडुलिन प्रोटीन आप जानते हैं क्या है, किस में होता है? तो वो कहते हैं कि बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यानी एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली किस प्रोटीन के साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक है, रिलेट करता है, ठीक है। पॉज, इसका बेटे सीधा सीधा जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ट्रोपोनिन सी को जाके के साथ ये कैलमोडुलिन स्मूथ मसल में सबसे ज़्यादा रिलेट उसके साथ करता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइलिनेशन। तो माइलिनेशन का नतीजे में लार्ज नर्व फाइबर्स में इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है, इस जब लार्ज नर्व फाइबर्स की माइलिनेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये सारा फिर आप देख लें, ठीक है, पढ़ लें इसको और फिर पॉज कर लें। इसका जवाब है आंसर बी के जनाब, जो रोड नोड ऑफ रैनवियर है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सिर्फ वहाँ पे जनरेट होते हैं, बाकी जो इंसुलेशन होती है माइलिन की उस वहाँ वो वहाँ बचत हो जाती है, एनर्जी की भी बचत हो जाती है, वहाँ से फिर वो हॉप करती है, नोड टू नोड एक्शन पोटेंशियल हॉप करता है, तो इससे उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये बाकी भी आपने पढ़ने हैं, बाकी भी आपकी फिर ये सारी नॉलेज ही नॉलेज है, ठीक है ना, ये पढ़ लोगे एक तरह से रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बात हो रही है सिमिलैरिटी की और इस दफ़ा हम बात करेंगे स्मूथ और कार्डियक मसल की, ठीक है। तो अब नीचे दिए हुए पांच में से आपने सेलेक्ट करना है कि स्मूथ और कार्डियक मसल में सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी, ठीक है। पॉज, ठीक है, ये सारे पढ़ लिए आपने, इसमें आंसर है बी, ये दोनों ही कैल्शियम को पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मुश्तरक नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल है कि हम नॉर्मल हेल्दी मसल की बात कर रहे हैं, व्हाट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट हो रहा है, चल रहा है, अपना काम कर रहा है इन द टर्मिनल मेम्ब्रेन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। हेल्दी मसल है, प्रोपोगेशन हो रही है एक्शन पोटेंशियल की, मोटर न्यूरॉन से मसल में आ रहा है, मोटर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर आ रहा है, तो इन फॉलोइंग में से क्या शेयर क्या चीज हो रही है, ठीक है। पॉज,
तो 29 का जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं जनाबे अली, विच ऑफ द फॉलोइंग ये है डिक्रीजेज इन लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है, पॉज, इसका जवाब है आई बैंड ऑफ द सार्कोमेरियर, आपकी यहाँ पे रिविजन होनी चाहिए ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमेरियर, ठीक है, सारे बैंड्स और सारी लाइंस आपको यहाँ पे याद कर लो। अच्छा जी, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिकॉल एमसीक्यू है, क्रॉस सेक्शन लिया गया है स्केलेटल मसल फाइबर का थ्रू द एच जोन, अगेन इसमें आपको सार्कोमेरियर की एनाटमी रिवाइज करनी होगी, तो वो कहता है कि जब एच जोन के में आपने इसको, जैसे ये अगर सार्कोमेरियर है और यहाँ पे आपने एच जोन पे इसको कट किया और अब आप इसको देख रहे हैं कि क्या नज़र आता है आपको, तो इनमें से कौन सी चीज़, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें बेटे आंसर इज, अच्छा मैंने पॉज नहीं कहा, पॉज, आंसर इज ई, ठीक है, मायोसिन नज़र आएगा, एक्टिन नज़र नहीं आएगा। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यानी लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्केलेटल मसल में हो रही है, तो वो किस चीज़ के रिजल्ट में होगी, कौन सी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जिसकी वजह से टेटनी कॉन्ट्रैक्शन होगी स्केलेटल मसल में, इसका आप एक और तरीके से भी कि टेटनी किस आयन की वजह से होती है, ठीक है, पॉज, बट इसका आंसर तो ऑब्वियस है, इसका आंसर है कैल्शियम, ठीक है। ओके, सो बात हो रही है वेट लिफ्टिंग की, वेट्स उठाने की, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, तो रिजल्ट हो गया जनाब, वेट लिफ्टिंग कैन रिजल्ट इन ड्रामेटिक इंक्रीज इन द मैस मैस ऑफ स्केलेटल मसल, ये जो इंक्रीज है ये फॉलोइंग कौन से ऑप्शन की वजह से सबसे ज्यादा होता है, प्राइमरीली, प्राइमरीली का जिक्र है बेटे, इसका मतलब सबसे ज्यादा किस शय की वजह से होता है, पॉज, तो ये है हाइपरट्रोफी, बी ऑप्शन करेक्ट है, हाइपरट्रोफी इंडिविजुअल मसल फाइबर्स की हो जाती है जिसकी वजह से टोटल मसल मास भी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ग्राफ है, ये सिंपल है, आपको आता है, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो हो रहा है, ये ग्राफ आप जानते हैं, मैंने 3-4 दफ़ा तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में बना दिया है बेटा जी, ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये यहाँ तक आया, फिर ये थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, फिर डीपोलराइजेशन हो गई और फिर रीपोलराइजेशन हो गई, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। तो इसमें अब सवाल क्या बनता है, सवाल सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स, पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर बी और डी के दरमियान जो है वो कौन सी चीज चेंज को करवा रही है, ठीक है, अपना कर्सर चेंज कर लो, बी कहाँ है, बी ये है, बी ये है और डी ये है, यानी ये इस दरमियान में बात हो रही है कि ये जो अपस्ट्रोक है ये क्या है, ठीक है, ये अब आप समझ ही गए होंगे कि ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा जवाब है, जवाब ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, डी, मूवमेंट ऑफ सोडियम इनटू द सेल, ये कॉज करता है डीपोलराइजेशन जो कि हमें अब स्ट्रोक में देख लिया, ठीक है। उसके बाद आप देख लें, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिटवीन ऑफ पॉइंट्स डी एन ई, अब डी एन ई क्या है, कहाँ कहाँ है, ये बेटा जी डी है और ये ई है, ठीक है, ये अब डाउन स्ट्रोक है, ठीक है, यहाँ की यहाँ से यहाँ कौन लाता है, कौन सा आयन लाता है, ठीक है, ये बात हो रही है इसकी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, यानी हम रीपोलर आर ई वाला रीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा आपका एक्शन पोटेंशियल रिवाइज हो गया दोबारा। अच्छा जी, अब दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है, ये मुश्किल सवाल है, अम्मी से कहिएगा कि अच्छी तरह दुआ करें, अगर इस तरह का सवाल आपको आ गया तो अम्मी की दुआ बचाएगी आपको, ठीक है। डिलेड ऑनसेट एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिले ऑनसेट हुआ है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज ग्रेटर फोर्स जनरेटेड बाय स्मूथ मसल, बात हो रही है स्मूथ मसल की और उन्होंने तीन बातें कर ली हैं, डिलेड ऑनसेट हो रहा है, लंबी हो रही है कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा फोर्स की हो रही है, और कंपैरिजन हो रहा है, अगर ये इनफ ऑलरेडी इनफ कॉम्प्लिकेटेड सवाल ना बने, कंपैरिजन हो रहा है स्केलेटल मसल के साथ, आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये
और ये, अगर स्मूथ मसल में हो रहा है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, तो वो किस वजह से होगा? ठीक है, तो कर लेते हैं पॉज, देखते हैं इसमें कौन सा बच्चा इसको ठीक करता। तो बेटे इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैं या बाकी इसको देख लें, ठीक है, कि बाकी करेक्ट चॉइसेस नहीं हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये किस तरह का सवाल आया था, तो चलो यू नो कि स्लोअर साइकिलिंग रेट ऑफ स्मूथ मसल मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस जो स्मूथ मसल में होते हैं उनका स्लोअर साइकिलिंग रेट होता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल से। ठीक है, ये वजह होती है कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन डिलेड ऑनसेट तो होती है लेकिन प्रोलॉन्ग होती है और ज़्यादा फोर्स से होती है। ऊपर वाला जो है वो स्मूथ मसल से रिलेटेड है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, नीचे वाला स्केलेटल मसल फाइबर की जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है उससे रिलेटेड है। पहले स्मूथ मसल वाला कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन टर्मिनेट कैसे होती है। ठीक है, टर्मिनेट किस चीज़ से होती है? ठीक है, ये आपको आना चाहिए। पॉज, इसका जवाब है बी, डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन। ये बेटे आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं आया तो आप इसको रिवाइज करें। दूसरा है, आखिरी सवाल है, फोर्स जो है प्रोड्यूस सिंगल मसल, यानी सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्केलेटल मसल सॉरी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसकी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, वो इंक्रीज किस चीज़ से होगी? ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, पॉज, इसका जवाब है जब आप उसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से स्टिमुलेट करेंगे, यानी नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा देंगे इसको, तो इसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, चलें जी, इसमें कुछ एमसीक्यूज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ नर्व से रिलेटेड हैं और कुछ मसल से रिलेटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे इस तरह के एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह इम्तिहान में आएँ, ताकि आप अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह कामयाब हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।